हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वन विभाग के अंदर फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर बहुत सारे पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ वन विभाग के अंदर जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आया है, जिसमें किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते। वन विभाग के में निकली जो भर्ती है, इसमें अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, डेफिनेटली किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, आज इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। वन विभाग में जो भर्ती निकल के आया है, इसमें अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, उसका भी डिटेल आप लोग मैं बताऊंगा। चलिए एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर क्या बताया गया है, उसका भी डिटेल आप लोगों को मैं बताऊँ। इस बार की जो नोटिफिकेशन आया है, अगर आप लोग देखोगे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया एक एक करके नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट, जिसमें क्लियरली बहुत सारे वैकेंसीज देखिए इस बार जो है पब्लिश किया गया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कैंडिडेट को बैचलर डिग्री क्वालिफाइड कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए और भी बहुत सारे अपडेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसका भी डिटेल आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों पहले तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, एप्लीकेशन करने के लिए मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वह 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 40 इयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए सारे जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, कुछ यहाँ से इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। एप्लीकेशन करने के आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन आपको भेजना होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस बार की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है आपका ग्रेजुएशन पास और 10th 12th पास करके एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, डिफरेंट पोस्ट निकल के आया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को और भी बहुत सारे अपडेट यहाँ पे निकल के आया, चलिए देख लेते। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए, तो आपको रिटन एग्ज़ाम फिजिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। सैलरी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है एंड सैलरी आपको जो है अलग अलग से मिलता रहेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको तो पहले तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आया है, इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। देन आपको जो है मिनिमम एक एज क्राइटेरिया जो है 28 इयर्स होना पड़ेगा एंड देन आपको जो है सिलेक्शन। या एप्लीकेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरह की चीज़ें भी आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, मैं वहाँ पर लिंक आप मैंने दे रहा हूँ, तहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।